गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वर्ड्स लेके आया हूं, एक ऐसा फ्रेज लेके आया हूं जो मोस्टली हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, और कई बार हम लोग ये समझ नहीं पाते कि ये वर्ड लिखा क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज समझते हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में काफी यूज किया जाता है और कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में इस प्रकार के कोई फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए और स्पीकिंग में इसको कैसे यूज करना है ये समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ध्यान दिलवाऊं, ये वर्ड है इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन का मतलब हो रहा है ऑन द वे, रास्ते पर, एक्सपेक्टेड, संभावित, उम्मीद, जिसकी हमें उम्मीद हो, अपकमिंग, आने वाला, अंडर वे, इन द प्रोसेस भी कर सकते हैं, इन द प्रोसेस, अभी वो इन द प्रोसेस है, अभी हुआ नहीं है चालू, इसको हम लोग ये मानेंगे हिंदी में होने वाला, लागू होने वाला या विचाराधीन, इसको हम लोग कहेंगे इन द पाइपलाइन। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो पानी है, अभी पानी जैसे कहीं से हमने पानी डाला, पानी उस सोर्स से निकला नहीं है, अभी वो पाइपलाइन में है, अभी पाइपलाइन में है, अभी वो निकला नहीं है बाहर, यानी वो अंडर वे है, वो इन द प्रोसेस है, अभी उसको आने में समय लगेगा, अभी वो पाइपलाइन के अंदर घुसा हुआ है, अब बाहर आएगा मतलब वो आ गया। मतलब इन द पाइपलाइन का मतलब होता है अंडर वे, इन द प्रोसेस, एक्सपेक्टेड, लागू होने वाला, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कोई बात, कोई नियम या कुछ बातें अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, तब हम लोग उसको बोलेंगे इन द पाइपलाइन। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक कब पढ़ाएंगे, बहुत से टॉपिक अभी बचे हैं, तो मैं बोलूंगा यस, सम टॉपिक्स आर इन द पाइपलाइन, अभी पाइपलाइन में है, बहुत जल्द उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। ऐसी बातें जब करना हो तब हमको इन द पाइपलाइन का यूज करना पड़ेगा। जनरली ये वाले जो वर्ड्स है, पाइपलाइन वर्ड है, ये मोस्टली गवर्नमेंट के वर्ड जो होते हैं वहां पर यूज किया जाता है, लेकिन आप लोग भी अपने कोई एक्सपेक्टेड काम के लिए जो अबाउट टू कम रहता है या इन द प्रोसेस रहता है या अंडर वे रहता है, वहां पर आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, कुछ सेंटेंस देखते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको इसके सेंटेंसेस, इसकी बनावट और इसकी जगह, सारी बात क्लियर हो रहा है। यस दोस्तों, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, लिखा हुआ है नाउ आई एम डूइंग दिस जॉब, अब मैं यह काम कर रहा हूं, बट अ गुड जॉब इज इन द पाइपलाइन फॉर मी, अभी मैं यह नौकरी कर रहा हूं पर एक अच्छी नौकरी मेरे लिए विचाराधीन है, अभी मैं ये नौकरी कर रहा हूं जैसे तैसे कर रहा हूं, मैं इसमें खुश हूं नहीं हूं ये बात की बात है, लेकिन एक अच्छी नौकरी इन द पाइपलाइन है, एक अच्छी नौकरी मेरे लिए विचाराधीन है, बहुत जल्दी मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, बट आई एम हैप्पी, मैं इस जॉब को भी कर रहा हूं, बट अ गुड जॉब इज इन द पाइपलाइन फॉर मी, या द इलेक्शन इज अबाउट टू कम। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और जैसे ही चुनाव आने वाले रहते हैं तो सरकार बहुत सारे जो नियम होते हैं या बहुत सारे प्लान्स होते हैं उसको फटाफट लाने की कोशिश करती है ताकि हम जनता खुश हो जाएं और उनको उनको वोट दें और उनको चुन के फिर से ले आएं। ये सारी सरकार के साथ ऐसा होता है। तो द इलेक्शन इज अबाउट टू कम, मेनी प्लान्स आर इन द पाइपलाइन इवन नाउ, या चुनाव आने वाले हैं, कई योजनाएं अभी भी लागू होने वाली है, कई योजनाएं अभी भी लागू होने वाली है, वो अभी इन द पाइपलाइन है, पाइप के अंदर है। ये एक दोस्तों एक मुहावरा है, एक फ्रेज है, आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको ऐसी मीनिंग निकालेंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे, वो अभी पाइपलाइन के अंदर भी आने वाली है, अभी निकली नहीं है भाई बाहर। तो मैं और दो सेंटेंस लेता हूं आपके लिए, आई हैव अपलोडेड अराउंड 450 वीडियोस, मैंने लगभग 450 वीडियो अपलोड किए हैं, सम वीडियोस आर इन द पाइपलाइन, कुछ वीडियो पाइपलाइन में है, कुछ वीडियो विचाराधीन है, कुछ वीडियो अंडरवे है, इन द प्रोसेस है, आने वाले हैं, यस बहुत जल्दी आने वाले। मैं आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका हूं, सम डाउट्स आर टू बी क्लियर्ड, सम डाउट्स आर टू बी क्लियर्ड, दोज आर इन द पाइपलाइन, कुछ डाउट क्लियर किए जाने को है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है, जो कि अभी इन द प्रोसेस है, अंडर वे है,
यानी कि इन द पाइपलाइन है या। तो दोस्तों ये आपको यूज करना, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कोई चीज जब अबाउट टू कम होती है, वो चीज होने वाला होता है, तब हम लोग बोलेंगे दिस इज इन द पाइपलाइन या। अभी तो मैंने आपके लिए इस टॉपिक लाने की शुरुआत किया है, ऐसे ऐसे टॉपिक लाने की शुरुआत किया है दोस्तों। अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर इन द पाइपलाइन, एक्साइटिंग टॉपिक्स आर इन द पाइपलाइन, एक्साइटिंग वीडियोज आर इन द पाइपलाइन, मार्वेलस अमेजिंग वीडियोज आर इन द पाइपलाइन। ये मैं अपने लिए कह सकता हूं, मैं मेरे लिए कह सकता हूं, जो कि आपको इसका आने वाले समय में जो प्रोसेस इन द पाइपलाइन है वो आपको मिलेगा इसका फायदा। लेकिन आप भी अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि अभी तो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है, आगे देखते जाइए और होता क्या है, बहुत सारी चीज अभी इन द पाइपलाइन है, आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। यस दैट्स ऑल, मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपने इसको एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो दोस्तों मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देता हूं मैं आपके लिए, और इसके जवाब मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगा और आप उसे चेक कर लीजिएगा, पहले मैं आपके जवाब चेक करूंगा। तो दोस्तों यहां लिखा है ही स्विम्स डैश द रिवर। अब आपको बताना है कि ऑन आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, एट आएगा। ही जम्प्ड, वह कूदा द रिवर, फिर ये चारों में से बताना है ऑन, इन, इनटू, एट। ही इज कमिंग डिनर, वह डिनर पर आ रहा है, क्या आएगा बताना है, ऑन डिनर, इन डिनर, इनटू डिनर, एट डिनर या। द ट्रेन विल कम प्लेटफॉर्म नंबर 5, एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5, इन वॉट एवर बताना है। पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग, यात्री खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, इन प्लेटफॉर्म नंबर 1, इनटू प्लेटफॉर्म नंबर 1, एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये सारी बातें आपको भरना है, फिल करना है, इसके बाद जहां आपको डाउट होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजेदार था, ज्ञानवर्धक था। इसी प्रकार के मैं बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लाया करूंगा, मिनी टॉपिक्स आर इन द पाइपलाइन, जस्ट वेट। और आप अपने डाउट्स पूछना बंद ना करें, आप अपने डाउट्स पूछते रहा करें, जब भी मुझे समय मिलेगा उस डाउट्स का मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, मैं सारे आपके डाउट्स नोट कर लेता हूं और जब मुझे समय मिलता है तो उसका मैं वीडियो शूट करता हूं, उसके बाद मैं अपलोड करता हूं। दोस्तों बहुत से काम रहते हैं, कोचिंग क्लासेस भी लेना रहता है, उसके बाद में शूटिंग लेना, एडिटिंग करना, बहुत से काम रहते हैं, इसलिए कुछ वीडियो में लेट हो सकता हूं मैं। तो प्लीज वेट फॉर माई दोज वीडियोज विच आर इन द पाइपलाइन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिशों के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।